ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वन यू आई 4.0 के कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में। यहाँ पर वन यू आई 4.0 के अंदर कुछ हमें नए ऐसे फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि एक्सक्लूसिव वन यू आई 4.0 और एंड्रॉयड 12 के अंदर ही हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली उनको बेटर करके और ज़्यादा बेटर और इनका एक अच्छा वर्जन हमें वन यू आई 4.1 के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ है, जो हिडन फीचर आप कह सकते हो एक तरीके से, सैमसंग के गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के अंदर जो भी बने हुए हैं 4 या 4.1 के अंदर अपडेट हुए हैं स्मार्टफोन्स, तो यहाँ पर अगर आप अचानक से अपने स्मार्टफोन के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो फिर आप अचानक से तो नहीं कर पाओगे, मतलब ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ रखा हुआ है। बट सैमसंग ने यहाँ पर एक फंक्शन ऐड करा है, अगर आपको अचानक से रिकॉर्डिंग करनी है आप अपनी लॉक स्क्रीन को ऑन करो, सिंपली यहीं पर ही रहो एंड यहाँ पर आप अपनी क्लॉक पर क्लॉक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पहले वाली रिकॉर्डिंग जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं, रिकॉर्डिंग डिस्चार्ज, एंड यहाँ पर हम जो है जैसे ही टैप करते हैं तो रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर हमें राइट कॉर्नर में एक ब्लू कलर की लाइट भी आ जाती है, जिसका मतलब है कि हमारा जो माइक्रोफोन है वो एक्टिव है। एंड जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को ऑन करेंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो जैसे ही आप स्क्रीन ऑन करते हैं तो ये जो लाइट है ये एक्टिव हो जाती है, जिसका मतलब है क्या है कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर जो माइक्रोफोन है वो एक्टिव है और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है, मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा है बेसिकली। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को। आप यहाँ से अपना डायरेक्ट नोटिफिकेशन पैनल से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, या चाहे तो अपनी लॉक स्क्रीन से ही यहाँ पर जा करके आप जो है स्टॉप या पॉज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को एक फीचर लगा वन यू आई 4.0 और आप कह सकते हो कि एंड्रॉयड 12 में जो सैमसंग ने ऐड किया है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि हमें अदर ब्रांड्स ऑफर कर रहे थे, स्पेशली आईफोन्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैमरा के अंदर तो पहले क्या था, अगर आप यहाँ पर टैप एंड होल्ड करके रखते थे अपने कैमरा को, बर्स्ट मोड पर चला जाता था जिसके बाद में लगातार फोटोज़ कैप्चर होते थे। अब यहाँ पर सैमसंग ने इसको 2-in-1 कर दिया है, यानी कि अगर इसको टैप एंड होल्ड करके नीचे की तरफ लाते हैं, लाइक इस तरीके से, टैप एंड होल्ड नहीं, डायरेक्ट इस तरीके से नीचे लाते हैं तो ये बर्स्ट मोड पर आ जाएगा और 30 फोटोज़ एक साथ कैप्चर करेगा। और अगर आप इसे टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो फिर जो है वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। एंड यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, अब ये लॉक हो चुका है। एंड आप इसमें जो है वाइड में ही रह सकते हैं, अगर अल्ट्रा वाइड में तो वाइड में अल्ट्रा वाइड में रहेंगे, और वाइड में है तो वाइड में रहेंगे, मतलब अगर आप मेन कैमरा में तो मेन कैमरा में रहेंगे और अल्ट्रा वाइड लेंस में तो फिर अल्ट्रा वाइड में ही रहेंगे, स्विच नहीं कर सकते। बोल दो आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। फ़ोटो भी यहाँ पर सर आप डायरेक्ट कैप्चर कर सकते हैं फ़ोटोज़। एंड ये फुल साइज़ जो है कैमरा का है, यानी कि फुल सेंसर साइज़ से आप जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली अगर आप 1080p या कोई भी वीडियो मोड में जा कर के करते हैं तो वो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, लाइक दिस थोड़ा सा क्रॉप होकर के हमें मिलता है, और वो फुल सेंसर जो है वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो ये इफेक्ट है। और अगर आपको अचानक से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो फिर आप इसको डायरेक्ट टैप एंड होल्ड करके रिकॉर्ड करके डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, एंड नीचे की तरफ आप स्वाइप करेंगे तो ये बर्स्ट मोड में चल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को जो कि सैमसंग ने अपने वन यू आई 4.0 के अंदर ऐड किया है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो चलती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।